तो अगर मान लीजिए आपको इस तरीके का एक ब्रांच लगाना हो ऐसे लेटरल का, तो आपको देखना है कि ये इसका मुंह जो है किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसको हम कैसे पता चलेगा कि इसका जो है जो सेंटर टू सेंटर इसमें जो मिलाना है हमारा जो डायमेंशन देता है ड्राइंग के हिसाब से, मान लीजिए हमारा ये एल्बो के जॉइंट से और यहाँ तक का डायमेंशन 1 मीटर दिया है, अगर हम इसको यहीं पे लगा देंगे तो कैसे पता चलेगा कि इसका डायमेंशन कहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसका सेंटर देता है मान लीजिए 1 मीटर यहाँ पे, लेकिन इसका जब आप इधर जब इसको टॉप में लगाएंगे इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे आप लगा दिए तो इसका जो ये सेंटर जो है यहाँ पे मिलता है इस तरीके से, अब आप मेजरमेंट करेंगे तो आपका जो है 1 मीटर मान लीजिए दे रहा है तो आपका 1 मीटर यहाँ आएगा, लेकिन ये कितना देना है और इसका जो है सेंटर यहाँ है, तो हम इसमें कितना पीछे बाइक करके लगाएंगे ताकि हमारा ये सेंटर पे ये डायमेंशन मिल जाए, यहाँ से इस सेंटर से हमको मान लीजिए कि ऐसे मिलाना है और हम कितना इसमें माइनस करके लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जितना इंच का पाइप है हाइडर का हाफ ओडी ले लेना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा यहाँ पर 1 मीटर डायमेंशन दे दिया, हाफ ओडी माइनस करेंगे, जैसे हाफ ओडी हो गया इसको 84 mm, तो हम इसमें यहाँ पर 84 mm यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि यहीं पर आ गया हमारा 1 मीटर यहाँ पे आ रहा है, हम इसमें 184 mm यहाँ पे माइनस कर दिए, यहाँ पे मार्किंग हुआ, यहाँ पे एक सेंटर लाइन मार दिए इस तरीके से, और इसमें भी आपको 4 सेंटर लाइन मारना रहेगा इस तरीके से, ऊपर भी रहना चाहिए और नीचे भी रहना चाहिए, और फिर इसको आप इस सेंटर लाइन में यहाँ पे आप इसको मिलाकर ऐसे लगाएंगे, तो ये सेंटर आपको इस सेंटर से मिलेगा, आपका 1 मीटर डायमेंशन यहाँ आएगा, यहाँ नहीं है 1 मीटर आपका डायमेंशन यहाँ आएगा, यानी कि हाफ ओडी माइनस कर देना है, ये हाइडर का हाफ ओडी 84 mm माइनस कर देना है। तो फ्रेंड जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से ये ज्वाइंट से और ये जो ब्रांच आप लगा रहे हैं जहाँ पर, वहाँ का डायमेंशन 1 मीटर अगर दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि इसका जो ये ब्रांच का सेंटर तो मिलता है यहाँ पर, इसका डायमेंशन आपको मिलेगा, ये जब आप इसको मार्किंग करेंगे तो आपके ये 1 मीटर डायमेंशन से वहाँ से जितना इसका ओडी है आप इसको इस तरीके से आप माइनस करके यहाँ पर मार्किंग करेंगे, और ये ब्रांच का जो डायमेंशन है वो ब्रांच का डायमेंशन आपको इसके सेंटर से मिलता है, या नहीं कि ये पाइप के ओडी से, पाइप के ओडी से डायमेंशन नहीं मिलता है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, इस तरीके से लाइक बटन नीचे उसे आप दबाकर हमको बताइए, और इस तरीके से एक रेड बटन होगा नीचे सब्सक्राइब का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए।